प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे अपनी उम्र कैसे ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ फर्स्ट और सेकंड करके लिखा है और यहाँ पहली वाली में हमने क्या लिखा है, 27 अप्रैल 2020 को हमें अपनी उम्र ज्ञात करनी है यदि हमारी जन्मतिथि 1 अगस्त 1980 है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ 27 में से एक बड़े आराम से चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ महीने और वर्ष में हमें क्रिया करनी है घटाने की। और सेकंड विधि लिखी हुई है, इसमें हमने लिखा है 5 जुलाई 2018। यदि आपकी उम्र 20 दिसंबर 1990 है तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ हमने 5 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ हमें वर्ष, माह और दिन तीनों में हमें क्रिया करनी होगी घटाने की। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने 27 अप्रैल 2020 लिखा है और यहां 1 अगस्त 1980 लिखा है। अब हमको क्या करना है, दिन में से दिन को घटाना है, महीने में से महीने को घटाना है, वर्ष में से वर्ष को घटाना है। जैसा कि आप घटाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इकाई की तरफ से घटाते, तो इकाई हमारा इधर है। लेकिन यहां हमको क्या करना है, केवल ये ध्यान रखना है कि हमें ऊपर की तरफ से घटाना है, क्योंकि ऊपर दिन सबसे छोटा है, उससे बड़ा महीना है, उससे बड़ा वर्ष है, साल है। तो इधर है 27, 27 में से हमें एक घटाना है। 27 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26। यहां 4 महीने में से 8 महीने हमें घटाने, 4 में से 8 नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर वर्ष में से 10 ले लेंगे, वर्ष में से एक वर्ष लेंगे इधर, तो यहां बचेगा आपका 2019। और यहां एक वर्ष जुड़ जाएगा, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने और इधर पहले से 4 महीने, तो 12 और 4 16। 16 महीने में से आपको 8 महीने घटाने, तो 16 में से 8 गया तो बच्चों कितना बचेगा, 8। अब क्या करेंगे, 2019 में से 1980 घटाना है, तो इसे इकाई की तरफ से घटाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या है। 9 में से 0 गया 9, 1 में से 8 नहीं जा सकता, इधर 20 है, 20 में से 1 इधर ले लिया, यहां 19 रह जाएगा और यहां 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गया 3, और यहां कितना बचा था, 19, 19 में से 19 गया तो कुछ नहीं बचा, शून्य बचा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां 39 वर्ष 8 माह और 26 दिन, इस तरह से हमने अपनी आयु ज्ञात कर ली। प्यारे बच्चों, अब की बार हमने क्या लिया है, 5 जुलाई 2018, जिसमें से हमें घटाना है 20 दिसंबर 1990। यहां आप देख रहे हैं 5 है, नीचे 20 है, 5 में से 20 नहीं जाएगा। तो हमने एक इधर जो महीने लिखे हुए हैं उसमें से एक इधर ले लिया, तो 7 महीने की जगह कितना रह जाएगा, 6, और 1 महीने के इधर आके हमने दिन बना लिया। तो सामान्यतः 1 महीने में 30 दिन होते हैं, वैसे 1 महीने में 31, 29, 28 दिन भी होते हैं, लेकिन यहां हम सामान्यतः की बात कर रहे हैं। तो 30 और 5 यहां हो जाएंगे 35 दिन, 35 में से हमें 20 घटाना है, 35 में से 20 गया 15 बचा, इधर 6 माह में से घटाना है, 12 नहीं जाएगा, वर्ष में से एक वर्ष इधर ले लिया तो यहां 2018 की जगह 2017 बचेगा, और एक वर्ष के यहां आकर के माह बना लेंगे, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 और 6 18, 18 में से हमने 12 घटाया, 18 में से 12 घटाया तो यहां कितना बचा, 6। अब क्या करना है, अब वर्ष में से वर्ष को घटाना है। इधर आप देख रहे हैं 7, 7 में से 0 गया 7, यहां देख रहे हैं 1, 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो
तो यहां 20 में से एक इधर रह लिया, यहां 11 हो जाएगा और यहां 19 रह जाएगा। तो यहां 11 में से 9 गया तो कितना बचा? 2, और 19 में से 19 गया तो 0, अर्थात निकल के आया 27 वर्ष 6 माह और 15 दिन। तो आप इस तरह से किसी भी तिथि को या किसी भी जन्म तिथि से अपनी आयु ज्ञात कर सकते हैं।